तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग यार आज हमारा रोप हीरो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि यार हमारा सुपर हीरो अब इस दुनिया में नहीं रहा यार। क्योंकि यार वो सामने आपको मिलिट्री बेस दिख रहा है ना, फौजियों ने उसे मार डाला यार। वो गया तो केवल एक जोम्बी को मारने के लिए था भाई सुपर हीरो, लेकिन उसको क्या पता था कि ये फौजी ही उसे मार देंगे। दोस्तों यार सुपर हीरो ने उस जोम्बी को तो मार दिया, लेकिन फौजी उसके पीछे पड़ गए कि जोम्बी को कैसे मारा। अब बताओ सर जी यार जोम्बी को तो मारते ही ना यार। दोस्तों सुपर हीरो ने फौजियों को बहुत समझाया कि मैं यार यहाँ पे केवल जोम्बी मारने के लिए आया था, तुम्हारा हेलीकॉप्टर चुराने के लिए नहीं आया। लेकिन यार फौजी लोग तो सुन ही नहीं रहे थे, चाकुओं से बंदूकों से इतना वार किया कि यार सुपर हीरो वहीं पर दम तोड़ दिया, बोले तो मर गया भाई बेचारा सुपर हीरो। दोस्तों जब इस बात की खबर हमारे म्यूटेंट भैया को चली ना, तो भाई लोगों उसका गुस्सा बिल्कुल सातवें आसमान पे था, क्योंकि उन नकली फौजियों ने म्यूटेंट के एक बेस्ट फ्रेंड को मारा है। हाँ दोस्तों सुपर हीरो और म्यूटेंट काफी अच्छे फ्रेंड थे, और दोस्तों यार सुपर हीरो यार सबसे पहले आगे आता था, कोई भी मुसीबत होती थी ना तो सबसे पहले वही आगे आता था। इसलिए हमारा म्यूटेंट भैया काफी ज्यादा गुस्सा है भाई उन नकली फौजियों से, उनकी गाड़ियों की तोड़फोड़ कर रहा है, बोले तो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा भाई। अभी वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाके छुप जाए, हमारा म्यूटेंट उनको ढूंढ कर मारेगा भाई, उनकी आर्मी बेस को तो बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा यार। हमारे सुपर हीरो की मौत का बदला हम लोग लेके रहेंगे भाई लोगों। हमारा सुपर हीरो नहीं भाई, इस वॉश टाउन का एक हीरो मरा है, और हीरो भाई ऐसे ही पैदा नहीं होता यार। उसको यार कितनी मेहनत लगी थी यार सुपर हीरो बनने में, और यार फौजियों ने उसको 2 ही मिनट में मार दिया। अभी म्यूटेंट का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो चुका है, और भाई लोगों अभी चलते सीधे आर्मी बेस के अंदर, क्योंकि म्यूटेंट भी वहीं पे जा रहा है ना। चलो भाई लोगों, क्योंकि म्यूटेंट यार गाड़ी में ऐसे ही नहीं बैठ सकता ना। चलो अभी इसके रियल रूप में आ जाते हैं और फटाफट चलते हैं यार। अभी मैं किसी को भी नहीं मारूंगा भाई, मेरे ऊपर चाहे कोई भी गोली चला लो, मेरी टारगेट है तो बस वो आर्मी है भाई, वो फेक आर्मी। अभी मैं पुलिस वालों को भी नहीं मारूंगा, मारना है तो बस सिर्फ उनको मारेंगे भाई, उन नकली फौजियों को। उनकी हिम्मत कैसी हो भाई हमारे सुपर हीरो को मारने की। दोस्तों हमारा सुपर हीरो ऐसे ही नहीं मरने वाला था यार, उसके पास में बहुत ज्यादा पावर थी, लेकिन जरूर इन फौजियों ने कुछ ना कुछ उसके साथ में गलत किया होगा, यानी उसको जाल में फंसाया होगा भाई, तभी हमारा सुपर हीरो मर सकता है। अभी म्यूटेंट के गुस्से का सामना इन सभी फौजियों को करना पड़ेगा। तुम सबने मिलकर हमारे म्यूटेंट और रोप हीरो के एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड को मारा है भाई लोगों, यार इनको तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और भाई म्यूटेंट अभी अपने असली रूप में, यानी कि बोले तो पावरफुल रूप में आ चुका है, और ये फौजी गया, ये दूसरा तीसरा भी गया भाई। ओ सर जी भाई साहब, म्यूटेंट का गुस्सा अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी इस मिलिट्री बेस का क्या होने वाला है आप लोग अंदाजा तो लगा ही सकते हो भाई। म्यूटेंट पर इनकी गोलियों का कुछ भी असर नहीं होने वाला है, और दूसरी तरफ हमारा रोप हीरो पावरफुल बनने के लिए स्टील सूट पहनेगा। हाँ दोस्तों स्टील सूट पहनने के बाद में रोप हीरो बिल्कुल सुपर हीरो की तरह हवा के अंदर उड़ने लग जाएगा। चलो भाई लोगों फटाफट स्टील सूट पहन लेता हूँ, और यह पहन लिया हमारे रोप हीरो ने स्टील सूट। चलो भाई लोगों चलते हैं हमारे सुपर हीरो की मौत का बदला लेने के लिए। वैसे भी हमारा म्यूटेंट अकेला लड़ रहा होगा यार, अगर उसको भी मार दिया तो फिर यार हमारा रोप हीरो अकेला बच जाएगा ना। और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ इस सूट की पावर, बोले तो ये हवा से भी तेज उड़ता है भाई, हवा से भी तेज चलता है, बिल्कुल आयरन मैन की सूट की तरह। यार हमारा रोप हीरो आयरन मैन से कम नहीं है इस बार। चलो भाई लोगों यार हम चलते हैं आर्मी बेस की छत पे, क्योंकि वो मेरे लिए, मेरे को पता है कि जाल बिछा के रखे होंगे फौजी सारे के सारे। और भाई ये क्या देख रहा हूँ भाई, एक भी फौजी नहीं है यार, म्यूटेंट ने सबको मार दिया। चलो नीचे उतर के देखते। ओ सर जी यार बोला था ना ये मेरे लिए जाल बिछा के रखते हैं, ये पता है क्या करते हैं, ये सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर एक साथ मारते हैं गोलियां। लेकिन हमारे पास में स्टील सूट होने की वजह से ये मेरे को पकड़ नहीं पाएंगे ना। और ये दिया बिजली के झटके, यार इनको झटके महसूस होने चाहिए यार हमारे सुपर हीरो को जो मारा है। और यहाँ पे पुलिस भी भाई लोगों इनकी तरफ ही है, वैसे हमारी तरफ होनी चाहिए थी लेकिन हमारी तरफ नहीं है भाई, क्योंकि हम लोग इनको मारने के लिए है ना, तो पुलिस भी इनकी तरफ ही हो चुकी है। और ये सारे के सारे इकट्ठा हो चुके, ओ भाई इतने सारे फौजी, लेकिन हमारे रोप हीरो के गुस्से के सामने ये कुछ भी नहीं है भाई। वैसे ये भी मेरे को मार रहे और हमारा रोप हीरो भी घायल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी हम बुलाने वाले रोबोट, क्योंकि इनको भाई इनको भी पता चले ना कि हमारे पास में क्या क्या हो सकता है। इन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया ना, इन्होंने भाई हीरो से पंगा ले लिया। अभी हीरो से पंगा ले लिया तो यार इनको भुगतना तो पड़ेगा ना, और एक हीरो को तो मार भी दिया, और ये हेलीकॉप्टर भी आ गया। लेकिन मेरे को पता है कि यार हेलीकॉप्टर से कैसे निपटना है, हेलीकॉप्टर से हम बच नहीं सकते ना, इसलिए हेलीकॉप्टर को सबसे पहले उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाऊँगा ये आ जाएंगे। और ये फौजी लोग देखो भाई, इतने सारे फौजी और ये ऊपर से ये हेलीकॉप्टर। और चलो सबसे पहले यार मैं पता है क्या मंगाने वाला हूँ, मैं मंगाऊँगा एक पावरफुल रोबोट। ओ भाई ये भी नीचे गिर गया, और मेरे को ओ इतने सारे फौजी भाई,
ये हमारे रो पीरो को भी मार डालेंगे। चलो ऊपर चलते हैं और इस गेम का सबसे पावरफुल रोबोट बुलाते हैं, यहीं पे बुलाएंगे भाई, क्योंकि यहीं से ये क्या बोलते हैं इसको हेलीकॉप्टर मरने वाला है ना, इसकी मौत अभी निकट है। और ये देखो भाई, हमने बुला लिया इस गेम का सबसे पावरफुल रोबोट और अभी केवल कुछ भी नहीं होने वाला, तबाही होगी, ओनली तबाही। चलो ये गया हेलीकॉप्टर केवल एक गोले के अंदर ही, अभी नीचे उतरते फटाफट जल्दी से। अभी फौजी लोग घबरा चुके हैं कि भाई ये क्या बुला लिया, इस गेम का सबसे पावरफुल रोबोट ही बुला लिया। अभी तो रुको भाई, अभी हमारा म्यूटेंट भैया की पावर भी देखना बाकी है ना आप लोगों को, उसके पास में है अनगिनत पावर। चलो सर जी, ये गए सारे के सारे और इस मिलिट्री बेस को उखाड़ कर, बोले तो जड़ से उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर लेके जाएंगे। चलो अभी वो टैंक आ चुका है भाई, वो टैंक मेरे को एक गोले के अंदर उड़ा सकता है, बस खतरा है तो उसी से भाई, नीचे तो उतरना पड़ेगा। चलो भाई लोगों, अपन यहाँ से गलती होते हैं और हमारे म्यूटेंट भैया को बुलाते हैं। म्यूटेंट भैया, आओ, बोला था ना भाई ये हमें एक गोले के अंदर मार सकता है, वो तो दीवार की वजह से बच गया सर जी, वरना हमारी तो पापड़ नहीं बोली तो चिंगम बन जाती भाई। चलो भाई लोगों, म्यूटेंट भैया आ चुके हैं उस टैंक को जड़ से ख़त्म करने के लिए। भाई ये दो रोबोट कहाँ से आ गए, ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट, मेरे को पता है भाई ये तो हमेशा से ही चिढ़ता आया है हमारे हीरोज से। और ये गए भाई सारे के सारे फौजी और पुलिस वाले। दोस्तों अभी इस टैंक से कोई लड़ सकता है तो वो हमारा म्यूटेंट भैया है। देखो भाई लोगों, म्यूटेंट के आते ही ये टैंक कैसे भागने लग गया है, अपनी जान बचाकर भागने लग गया है, क्योंकि इसको पता है कि म्यूटेंट ही इसको उठाकर फेंक सकता है भाई, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने म्यूटेंट की पावर्स नहीं देखी ना। अभी आप लोगों को इसकी पावर भी दिखाता हूँ। ये भाई ये उठ क्यों नहीं रहा है यार, ये इस पेड़ की वजह से शायद नहीं उठ रहा है। अभी पावर देखना है ना आप लोगों को, अभी दिखाता है म्यूटेंट भैया के कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ये बिल्कुल लावा से बना हुआ है, यानी कि क्या बोलते हैं वो ज्वालामुखी होती ना उससे बना हुआ है। और ये टैंक को उठा ले भाई, उठा ले म्यूटेंट, उठा ले। ओ सर जी, म्यूटेंट ने तो सच में इतने भारी टैंक को उठा लिया भाई, कितना भारी होता है ये टैंक और इसको ही उठा लिया। अभी पुलिस वालों और फौजी तुम यहाँ से गलती मार लो भाई, क्योंकि म्यूटेंट को आ चुका है काफी ज्यादा गुस्सा। लेकिन दोस्तों हर किस्से की कोई ना कोई कमी रहती है ना, तो म्यूटेंट की भाई पता है कौन सी कमी है यार, ये ज्यादा देर तक इस लावा के अंदर बंद नहीं रह सकता यार, इसलिए इसको यहाँ से जाना पड़ेगा ना, वरना यार ये मर जाएगा। लावा के अंदर इतनी देर तक बंद रहना यार कोई मामूली बात थोड़ी है यार, अब इसको दोबारा से आदमी बनना पड़ेगा और यहाँ से गलती मारना पड़ेगा, बोले तो यहाँ से जाना पड़ेगा ना। और ये जा रहा है भाई, चलो भाई लोगों फटाफट चलते हैं और म्यूटेंट को एक सेफ जगह पे लेके चलते हैं। लेकिन ये क्या भाई, ओ सर जी, पुलिस वालों ने म्यूटेंट को पकड़ लिया। अभी म्यूटेंट आ चुका है जेल के अंदर यार, अभी केवल रो पीरो बचा हुआ है और उसको भाई फौजी धो रहे हैं भाई, बिल्कुल जॉम्बी और फौजी दोनों के दोनों मिलकर धो रहे हैं। अभी यार सुपर हीरो तो मर गया, म्यूटेंट जेल के अंदर है और रो पीरो को अभी यहाँ से जाना पड़ेगा ना, वरना ये सारे के सारे फौजी मिलकर हमारे रो पीरो को भी मार डालेंगे। दोस्तों हमें बुलाना पड़ेगा आयरन मैन और उसको क्या बोलते हैं स्पाइडरमैन वगैरह, सब हीरोज को बुलाना पड़ेगा और इस आर्मी बेस को उखाड़ना पड़ेगा ना। चलो भाई लोगों, अभी तो चलते हैं बिल्कुल सेफ जगह पे, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो फौजी लोग हमारे रो पीरो को ढूंढ ना पाए यार, उनके हाथ नहीं लगना चाहिए हमारा रो पीरो जब तक कि कोई स्पाइडरमैन या फिर कोई मदद के लिए ना आ जाए इसके लिए, या फिर म्यूटेंट जेल से बाहर ना आ जाए। दोस्तों यार आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।